अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्लाह आपको, हमको, हम सबको अच्छा रखे, हम सब के जायज़ तमन्नाएं पूरी करे। अल्लाह ताला हम सबको अचानक का खैर अता फरमाए, आने वाले शर से हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बकरीद मटन। इसका नाम ही बकरीद मटन है, जो अक्सर बकरीद के दिन बनता। बहुत इजी रेसिपी है। इसके अंदर मैं पहले डाली 2 टीस्पून ऑयल, 1 दालचीनी का पीस, 1 इलायची, 8-10 लहसुन की कली, 1/2 टीस्पून नमक, 2 पिंच हल्दी, 1/4 टीस्पून मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर बाद में जाएगा, नमक नहीं जाएगा, क्योंकि अदरक लहसुन में मेरे पास बहुत रहता, हमेशा बोलती हूँ ना मैं, तो अदरक लहसुन भी जाएगा। इस 1/2 केजी बोन वाला मटन है, ये बोनलेस नहीं है, और मीडियम पीस है, छोटे पीस नहीं है। ये 1/2 कप पानी है, ठंडा पानी नहीं है, वार्म वाटर है। अब इसको ऐसा हिला देंगे। गैस ऑन कर दी मैं। यह हड्डी वाला है, 3 सीटी दूंगी। अगर आप, मतलब सॉफ्ट है ये मटन, अगर आप लोगों ने हार्ड रहा, रेड मटन रहा दिया, 6-7 सीटी दे सकते, अच्छा गलावा रहना ये। एक पतीला ले लेना है, 50 ml ऑयल डाली में, कुकर में 2 टीस्पून ऑयल डाली थी। अब यह 1 मीडियम साइज अनियन बारीक कटी हुई, यह साइज इसको फ्राई कर लेना है। ये अनियन जब फ्राई होने लगेंगे, जब आप लोगों को बताऊं। अब प्याज यहाँ ब्राउन हो गई, अब इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे, ये मिर्ची भी डाल देंगे, नमक नहीं है इसमें। अब इसके साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 300 ग्राम टमाटे रेड, एकदम जो मैं प्याज बताई ना आप लोगों को, ये साइज का टमाटर लेना है। इससे छोटे मिले तो थोड़ा ज्यादा लिए, गोल स्लाइस। अब इसको मैं कम फ्लेम पे रख, इसके अंदर इलायची पाउडर भी था, मिर्ची थी 1/2 टीस्पून, इसके अंदर था देखिए 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून अदरक लहसुन, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर बस। हल्दी अपन स्टार्टिंग में डाल दिए ना, तो हल्दी अब नहीं डालना है। अब इसको कम पे रखूंगी मैं, फिर आप लोगों को 10 मिनट से बताती हूँ, टमाटे अच्छे गल जाना। गोश हो गया, इधर टमाटे हो रहे हैं, ये देखिए पानी बराबर है बिल्कुल। अगर इसके अंदर मिर्ची हल्दी नमक नहीं डालेंगे तो गोश काला रहेगा, मजा नहीं आएगा। अब इसके अंदर मैं इतना पानी ली हूँ, 1 टेबल स्पून उतना, ये कुकर में डाल दी मैं। अब इसके साथ अब इसको भूनेंगे। करी पत्ता डाल देंगे, इसके अंदर अदरक के जूलियंस भी डाल सकते हैं आप, काट करके 8 से 10 करी पत्ता है। इसका टेस्ट बिल्कुल अलग रहता, टमाटे का सालन नहीं है ये, आप ना समझेंगे कि टमाटे का सालन है, क्योंकि दिखने में अलग दिखता, खाएबा से टेस्ट बिल्कुल अलग रहता है, क्योंकि टमाटे में इलायची दालचीनी नेजा थी ना। ये 4 मेंबर का है,
प्याज कम डालना नहीं तो मीठा होता, और इसके ऊपर से नींबू डाल के खाना, और रोटी से भी अच्छा दिखता है ये, चावल से रोटी से बहुत अच्छा दिखता है, नान की रोटी से बहुत अच्छा दिखता है, बटन नान रुमाली रोटी। वन टी स्पून हरा धनिया डाल दूंगा, इससे ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे 5 मिनट पकने दूंगी, ढापे तो काला हो जाता, कवर करेंगे तो ये कलर नहीं रहेंगे, खाली 5 मिनट जरा ऑयल आना है। टमाटे पूरे गल गए, ये ऐसा नीचे लगना, एकदम ड्राई टाइप रहता है। ऑयल में बिल्कुल बराबर डाली, ना ज्यादा है ना एकदम कम। ये टमाटर पूरा गोश्त पे मिक्स हो जाना, एकदम गोश्त दिखना ही नहीं आपको, इसमें छुपा हुआ है ना। अब गैस बंद कर दूंगी मैं 5 मिनट से, आप लोगों को डिश आउट करके बता। बकरीद मटन बन के तैयार है, रोटी चावल से भी अच्छा दिखता, आप डिनर में सॉरी लंच में ब्रेकफास्ट डिनर में ऐसा बना सकते। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआ में याद रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।